2000 की नोट की जरूरत ही नहीं थी तो 2000 के नोट लाए क्यों थे? अगर उस वक्त सरकार का मास्टर स्ट्रोक ये था कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे या ब्लैक मनी है उसको बाहर निकालेंगे, तो अगर ब्लैक मनी बाहर निकल गया तो अब फिर से वापस क्यों खींची जा रही है 2000 की नोट? या फिर इसके ऊपर कोई इलेक्शन का मास्टर स्ट्रोक फिर से लगाने वाले हैं मोदी जी? और पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो जागतिक वित्त संस्थाओं की रिपोर्ट है कि उस नोटबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो असंगठित क्षेत्र है उसकी पूरी कमर टूट चुकी थी, करोड़ों लोग रोजगार खत्म हो चुके थे। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था उससे उभर नहीं पाई है। फिर एक बार नोटबंदी का बड़ा निर्णय हुआ है। 2000 की जो नोट है वो अगले 3 महीने तक लोगों को अगर वो उसके पास है तो वो बैंक में जमा करने होंगे। उसके बाद ये जो 2000 की नोट है वो उसकी जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएंगी, उसका इस्तेमाल आप बाजार में नहीं कर सकते। लोगों को क्या कहना है पुणे में, देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि पुणे के नवीपेट इलाके में हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे, 2000 की जो नोट है वो बंद करने का ऐलान सरकार ने किया है, 3 महीने का समय दिया है वापस बैंक में जमा करने के लिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि 2000 नोट जो रुपए की नोट है उसके लिए काफी सारे लोग उसी में जमा करते होंगे, जो पैसा है जो कैश जमा करके रख देते हैं उनके लिए जो आसान था वो बंद हो जाएगा, उनको डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने 2000 रुपए की नोट कैंसिल करके 500 के नोट में पूरा ऐलान किया होगा। आपका क्या नाम है और आपकी क्या यादें हैं 2016 की, क्या यादें हैं और इस बार फिर यानी तकरीबन 7 साल बाद ये डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ है? मेरा नाम अरविंद गोखले है। मोदी जी ने ये जो घोषणा की थी अचानक, लोगों को कुछ ये नहीं था, लेकिन बाद में जब डिजिटल ट्रांजैक्शन का चर्चा हो रहा था तो वो बोल रहे थे कि छोटा आदमी कैसा करेगा, वो सब्जी बेचने वाला क्या करेगा डिजिटल, उसके पास ये नहीं। अगर आप शहर में जाओगे तो आजकल 80-90% लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे गांव में और इलाके में नहीं होगा, लेकिन वो जो अमाउंट है छोटे गांव में से वो तो कम रहेगी, लेकिन मेन जो ट्रांजैक्शन होता है वो बड़ी सिटी में होता है और वो अभी डिजिटल का 100% बढ़ गया है। भ्रष्टाचार कम होगा उसके लिए कदम उठाया जा रहा है, काला धन बाहर आएगा उसके लिए कदम उठाया जा रहा है। भ्रष्टाचार कम होना बहुत आसान नहीं है, इतने एक झटके में नहीं होएगा, उसको बहुत मोदी जैसे लोग 25 साल रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार कम होएगा। जो लोगों का आदत लग गई है और पैसा कौन छोड़ेगा। और भी कुछ युवा है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आप क्या कहेंगे, ये जो निर्णय लिया है मोदी जी ने इससे आपको लगता है कि फायदा होगा बाजार का, सरकार का, लोगों का? मेरा नाम लखेंद्र अड़े है। फायदा तो बता नहीं सकते, लेकिन ये निर्णय अभी एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से गलत भी है। इससे सरकार क्या दिखा रही है हम लोगों को तो पता नहीं। इससे बड़े लोगों के पास ये 2000 के नोट जो ज्यादातर के ब्लैक मनी होता है, व्हाइट होता है, हवाला का पैसा होता है, और जो सीधे काम करने और छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग है उनके पास एक तो 2000 के नोट ज्यादा प्रमाण में नहीं होते, इसलिए एक प्रकार से हमें क्या बता रहे ये हमें तो अभी तक पता नहीं, कंफ्यूज है हमें। इससे एक तो ज्यादा जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको एक चालना मिल जाएगी, उनमें से तो जो छोटे छोटे चलन में आ जाएगा, जो डे की लिमिट 20,000 तक है उसमें ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पता चलेगा। अभी लगता है कि इससे और भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर लोग बढ़ेंगे। अगर आप अपने आजू बाजू देखेंगे या फिर हम थोड़ा ग्रामीण भाग में चलेंगे या खेड़ों में चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ही मुश्किल है, जहाँ नेटवर्क ही नहीं है वहाँ कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा? तो बाजार में छोटे गांवों में 2000 की नोट के बजाय 500, 100, 200 ये नोट ही ज्यादा चलती है बाजार में, 2000 की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर 2000 की नोट है भी या नहीं भी उससे कितना असर होगा? अगर यही सरकार में ध्यान में रखा होता तो 2000 की नोट की जरूरत ही नहीं थी तो 2000 के नोट लाए क्यों थे? अगर उस वक्त
सरकार का मास्टर स्ट्रोक ये था कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे या ब्लैक मनी है उसको बाहर निकालेंगे, तो अगर ब्लैक मनी बाहर निकल गया तो अब फिर से वापस क्यों खींची जा रही है 2000 की नोट, या फिर इसके ऊपर कोई इलेक्शन का मास्टर स्ट्रोक फिर से लगाने वाले हैं मोदी जी, ये भी देखना पड़ेगा। और सामान्य जन लोग है जिनके पास 2000 के नोट नहीं है, लेकिन कुछ खेतीबाड़ी करने में लोग जो है जिनका खेती का व्यापार आते हैं उनके पास जो पट्टी आती है, मान लीजिए कांदा पट्टी हो या फिर प्याज हो, इसके लिए जो पट्टी आती है वो 2000 के नोट में भी देते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं। अगर वो सिर्फ एक दिन में 10 ही नोट आप एक्सचेंज कर पा रहे हो तो उसका फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर लाइन में ही खड़ा होना है तो ये क्यों फिर एक बार दिखाया जा रहा है? अगर हर बार जनता को लाइन में ही खड़ा करना है तो आखिर मोदी सरकार ये जो है ये क्यों करना चाहती है, इसके ऊपर चौकसी होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा। अगर मोदी जी ने निर्णय लिया है तो उनकी जो पूरे पीएमओ है, उनके जो एडवाइजर्स है, सब ने उनसे सलाह मशवरा करके निर्णय लिया होगा, तो कुछ उसके पीछे कोई बात होगी बड़ी जो उन्होंने यह कदम उठाया। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है सबसे अच्छी स्टेट में है, स्तर में है, तो फिर 2000 की नोट वापस लेने की जरूरत ही क्या है? अगर हम अच्छी तरह से चल रहे हैं, हमारी सभी इकोनॉमी अच्छी तरह से चल रही है, तो हम क्यों वापस लेना चाहते हैं ये भी देखना जरूरी है। अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं तो पहले सूचना देकर वो सिस्टम जो खड़ी करनी चाहिए, क्या हम उसके लिए अभी अवेलेबल है या फिर हमारी वो सिस्टम खड़ी हो चुकी है, ये देखना तो पड़ेगा। आपका नाम बताइए और आपको क्या लगता है ये जो कदम उठाया है उससे फायदा होगा? काला धन बाहर आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद जो बढ़ रहा है या आतंकवाद जो है उसके ऊपर अंकुश लगाने में, क्योंकि काला धन या इंडियन करेंसी पाकिस्तान से छपकर इधर अक्रॉस द बॉर्डर आती है ऐसा भी कहा जा रहा है। मेरा नाम नितिन आंदळे, मैं एमपीसी यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। और अगर ये बात कर रहे कि काला धन खत्म होगा और आतंकवाद खत्म होगा तो उनको अपग्रेड होने की जरूरत है, क्योंकि जो टेररिस्ट है आज नोटों का इस्तेमाल नहीं करते, वो बिटकॉइन यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। और अगर ये 2000 की जो नोट है वो बंद ही करनी ही थी तो 6 साल पहले क्योंकि 2000 की नोट चालू की थी। और पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो जागतिक वित्त संस्थाओं के रिपोर्ट है कि उस नोटबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो असंगठित क्षेत्र है उसकी पूरी कमर टूट चुकी थी, करोड़ों लोग रोजगार खत्म हो चुके थे। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था उससे उभर नहीं पाई है, लेकिन इससे एक अच्छी बात लग रही है, लेकिन आगे के परिणाम नहीं बता सकता। लेकिन एक अच्छी बात यह कि 2000 की नोट की वजह से जो असंगठित क्षेत्र है, जो लघु उद्योग क्षेत्र है, वहां उनको उन लोगों के पास छुट्टे की किल्लत होती थी, वो 2000 का उनके पास छुट्टा नहीं होता था। तो हम सरकार से ये भी उम्मीद करते कि 50, 100, 200 इन नोटों को बढ़ावा देना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे एक चहल आ जाएगी और संगठित क्षेत्र फिर से एक उभारी ले सकेगा। मास्टर स्ट्रोक है ऐसा आपको लगता है? नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि 2000 के नोट किसके पास थे? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, उनके पास है। पिछले साल भी 2016 में उन्होंने नोटबंदी की थी, उस समय कितने लोगों की मौत हुई थी उसकी कोई रिपोर्ट जारी कर सकता है गवर्नमेंट? अभी इतना धूप चल रहा है, आम आदमी धूप में खड़ा होगा तो मर जाएगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं मरेगा, मोदी साहब के मिनिस्टर नहीं मरेंगे, इसमें आम आदमी मरेगा। तो ये किसके लिए चल रहा है? काला धन बाहर निकालने के लिए नोटबंदी हो रही है या काला धन छिपाने के लिए नोटबंदी हो रही है? सबसे पहला ये बड़ा सवाल है। आरबीआई ने जो बताया 2016 के नोटबंदी के टाइम, जो उसमें से ब्लैक मनी जो बार बार कह रहे थे, इसमें से ब्लैक मनी कुछ भी नहीं बाहर आए, तो ये 2000 का नोट लाने का जो मकसद था और वो निकालने का जो मकसद है वो गवर्नमेंट ने क्लियर करना चाहिए आम आदमी के लिए कि इसका क्या फायदा है और इसका क्या तोटा है। बलिराम, आप क्या कहते हैं, इसके पीछे कोई और वजह है नोटबंदी के पीछे ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, एक तो दरअसल एक बात एक है कि एक तो 2016 में सरकार गलत थी या अब गलत है, उस वक्त रीजन सही थे या अब के सही है, उस वक्त सही हो सकते अभी गलत है। मेरा ये कहना है कि 2016 में जो कहा गया था कि नोटबंदी से एक तो आतंकवाद कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई कम होगा, काला बाजार कम होगा, काला पैसा आएगा, इसमें से कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग कह रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, आप कर रहे हैं नोटबंदी कर रहे हैं, हम 2000 से भ्रष्टाचार कम होगा, कैसे कम होगा? मतलब जो चल रहा है अभी, जो आप हमारी इकोनॉमिक मिनिस्टर है, उनके हस्बैंड ने कल परसों कहा कि मोदी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक के बारे में जानकारी बहुत कम है और वो टोटली अनसक्सेस है। तो मेरा ये कहना है, ये क्यों कर रहे हो? इससे बदलेगा क्या? कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर उस वक्त नहीं बदला तो अभी भी नहीं बदलेगा। तो ये कुछ नहीं है, खाली अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ है, अभी आपको पता है कल परसों हड़पसर में 350 करोड़ पकड़े गए,
तो वो कहां से आए फिर? काला बाजार, अगर काला धन खत्म हुआ है नोटबंदी के बाद, वो कहां से आया? हवाले के पैसे रोज के रोज रोज प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब कुछ मैं कुछ कर अलग कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ अलग दे रहा हूँ, काला पैसा रोक रहा हूँ, ये सब दिखाने के लिए, इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पर जो पुणे के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही है, शायद बहुत सही कदम सरकार ने उठाया है, पर लोगों का ये भी कहना है कि 2016 में नोटबंदी हुई थी तो अब दोबारा वही फिर से घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? क्या वाकई में काला धन कम होगा? ये तो बात आने वाले जो आंकड़े हैं बाजार से निकलने वाले, कितने नोट बाहर आए, इससे ही पता चलेगा।